कहते हैं कि जिंदगी एक मुसलसल सफर का नाम है। इस सफर में अगरचे मंजिल मुअय्यन होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी मंजिल का इल्म नहीं होता, लेकिन फिर भी सफर करते चले जाते हैं। दूसरी जानिब ये भी हकीकत है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं ऐसा मुसाफिर हूं जो हतमी मंजिल से बेखबर अपनी मेहनत जस्तजू और हौसले के साथ आगे बढ़ता जा रहा हूँ। मैंने अब तक अपनी मंजिल का पता लगाने में कोई दिलचस्पी भी जाहिर नहीं की है। कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान को जिस मंजिल की जस्तजू हो वो इससे नाशना होता है, लेकिन सफर के इस तसलसल में इंसान तजर्बात और मुशाहिदात से भी बहुत कुछ सीख जाता है और दुनिया के सरबस्ता राज हमारे सामने खुलते चले जाते हैं। मैं भी कुछ इसी तरह के तजुर्बात से गुजरते गुजरते एक ऐसी मंजिल पर पहुंचा हूं जहां मंजिल की मदहम सी तस्वीर सामने आने लगी है, क्योंकि मुझे एक ऐसी शख्सियत की तलाश थी जिसकी हमा जहत शख्सियत कौमी खिदमत और किरदार रोल मॉडल करार देकर उनकी शख्सियत से कुछ रहनुमाई हासिल कर सकूं और मुझे मंजिल के तायुन और मंजिल तक के सफर में आसानियां पैदा हो सके। मैं तालीमी तकाजों के मुताबिक जब मुताले को आगे बढ़ाता रहा तो बल्तिस्तान की तारीख और सकाफत के मुख्तलिफ गोशों से पर्दा उठता चला गया और खित्ते की नुमाया शख्सियात तक पहुंचा, और इन शख्सियात का मुताला करते करते जिस अदबी शख्सियत ने सबसे ज्यादा मुझे मुतासर किया वो बल्तिस्तान के नामवर मुहक्किक माहिर लिसानियात और कुरान मजीद का बल्ती जबान में तर्जुमा करने वाले जनाब यूसुफ हुसैन हुसैनाबादी साहब। हुसैनाबादी वो शख्स है जिसने बल्तिस्तान की हिस्ट्री पर पहली मरतबा कलम उठाया बाईस तसन्नुफ इस्माइल, और उनकी पहली किताब बल्तिस्तान पर एक नज़र जो है वो 70s में छप। यूसुफ हुसैन आबादी साहब बल्तिस्तान के एक कोहना मशक मौर्गिक दानिश्वर और माहिर तालीम है। 1966 की बात है, मैंने अभी अभी मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था और मैं तन्हाई में बैठ के सोचने का आदि हो गया। मुझे बार बार ख्याल आता था कि ये कायनात, ये दुनिया, ये ज़िंदगी, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, कब आया हूँ, कब जाना है, और ये अल्लाह ताला की मदद से इस नतीजे पर पहुँचा कि मेरे सारे सवाल का जवाब जो है वो कुरान मजीद में। यूसुफ साहब का सबसे बड़ा कारनामा कुरान मजीद का बल्ती जुबान में तर्जुमा करना है, और बल्ती जो कदीमी रस्मुल खत जो है उसको इन्होंने जिंदा करके लोगों के सामने पेश कर दिया है। यूं तो यूसुफ हुसैनाबादी साहब के जो शख्सियत हैं, जो ज़ात है, वो खत्ते में इल्मी फ्रो अदब और तहकीक के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है, अदब के बहुत बड़े शहसवार हैं वो। लेकिन जब हम उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर देखते हैं तो उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा साथी है, चाहे फैमिली मेम्बर्स के साथ उनका मिलना जुलना, उठना बैठना हो, या सोसाइटी में, या फिर वो जो इदारे चलाते हैं स्कूल के हवाले से, पार्क और म्यूज़ियम के हवाले से, वहाँ पर भी लोगों का जो इंटरेक्शन होता है उनके साथ, उनमें भी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा साथी उनमें है। स्कूल में तो हालत ये है कि वो एक एक बच्चे तक को जानते हैं, उनके साथ उनके इंटरेक्शन है। 1992 1 मार्च को अल्लाह ताला ने मेरी तौफीक दी, मैंने यहाँ स्कर्टु में जिन्ना पब्लिक स्कूल के नाम से एक तालीमी अदारा रखा है। उनका एक और बड़ा कारनामा हुसैनाबाद में मौजूद बल्ती म्यूजियम है, जिसकी बुनियाद बल्तिस्तान की सकाफत और तारीख पर रखी गई है। बड़ा काम कुरान मजीद का बल्ती तर्जुमा है जो 2 दफ़ा शाया हो चुका है। ज़िंदगी के सारे सफ़र में आपको क्या क्या मुश्किल पेश आई? बेटा, मेरी 16 साल की उम्र तक मेरे वालिद का साया मेरे सर पर था, उनकी सरपरस्ती हासिल की, और जब मैं 9th में पहुंचा तो उस वक्त उनकी वफात हो गई, और मेरी खुशकिस्मती है शफीक
بھائی کی سرپرستی حاصل ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں یوسف حسین آبادی بلتستان کے لکھنے والوں کے لیے ایک استاد کی حیثیت رکھتے ہیں, اور ایسے ہی دانشوروں کی وجہ سے کسی قوم کو شناخت ملتی ہے. جس نے بلتی میں کیا ہے ترجمہ قرآن کا, میوزیم جس نے بنایا ارض بلتستان کا, جس کی محنت کا وشن کا ہے ثمر باغ جنا, جو مورخ ہے ہمارے تازہ تر رجحان, جس نے پھر بلتی زبان کو تازہ تر زندہ کیا, جس نے پھر بلتی زبان کو تازہ تر زندہ کیا, درس بھی جس نے دیا ہے علم کے عرفان کا, اس کو یوسف کہتے ہیں بس وہ ہے مرد باکمال, اس کو یوسف کہتے ہیں بس وہ ہے مرد باکمال, قوم کا ہیرو اساسہ ملک پاکستان کا, اس کو یوسف کہتے ہیں بس وہ ہے مرد باکمال, قوم کا ہیرو اساسہ ملک پاکستان کا. کر رہا ہوں پھر سفر بڑھتا ہوں منزل کی طرف, کر رہا ہوں پھر سفر بڑھتا ہوں منزل کی طرف, چھوڑ کر آسانیاں جاتا ہوں مشکل کی طرف, کر رہا ہوں پھر سفر بڑھتا ہوں منزل کی طرف, چھوڑ کر آسانیاں جاتا ہوں مشکل کی طرف.